हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे रेजोनेट करने वाली है। और गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइज, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कौन डेस्टाइन है, हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर, नियति यानी किसको आपके लिए चुना हुआ है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, आपने किसको चुना हुआ है, हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर। अबंडेंस, सेक्सुअल फ्रीडम, सिल्वर वाटरफॉल, सेरेंडिपिटी, बाउंड्रीज, सेक्सुअलिटी, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डेटिंग। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव रिपेरेंटिंग योर सेल्फ। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, मुझे देखिए फर्स्ट ही कार्ड ऐसे मिल जाते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी लगती है कि आपके लिए वही पर्सन डेस्टाइंड है जिनके लिए, जिनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अभी, ठीक है। अगर आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में है और उनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वही मुझे आपके डेस्टाइंड पार्टनर नजर आते हैं। बिकॉज रीपेरेंटिंग योर सेल्फ ये कार्ड बात करता है कि कोई अपने आप का बेस्ट वर्जन बनेगा, ठीक है, कोई अपने ही आपका बेस्ट वर्जन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगी, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। हम रीडिंग करने जाते हैं और इसी तरीके के जब कार्ड्स आ जाते हैं तो हमें मजबूरी में वही बोलना पड़ता है जो निकल कर आता है, ठीक है। पहला ही कार्ड ऐसा आया है जो ये कहता है कि पहले से ही जानते हो और पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रही उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी, और वही तुम्हारी नियति में लिखा है, वही तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो अपने आप का बेस्ट वर्जन बनकर वापस आएगा। अभी ऐसा लगता है बाउंड्रीज कार्ड के साथ कि हो सकता है कि शुरुआती दौर में ये कनेक्शन जब आपकी लाइफ में आए तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, आप दोनों के बीच में कई बार सेपरेशन हो, क्योंकि बाउंड्रीज कार्ड बात करता है कि एक दूसरे से बाउंड्री बना लेना, एक दूसरे से बात न करना। लेकिन जब तक आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनकर इस बाउंड्री को नहीं तोड़ेंगे, आपके जो भी पार्टनर होंगे वो इस बाउंड्री को नहीं तोड़ेंगे, तब तक यहाँ पर अबंडेंस नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन है। देख सकते हैं आप, जब ये कनेक्शन आपके जीवन में कदम डालेगा या आप इस इंसान के जीवन में कदम डालेंगे, दोनों की ही जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, अबंडेंस, पैसों से, खुशियों से, प्यार से, हर चीज से भर जाएगी, ठीक है। बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन है। जैसे कहते हैं ना, कई बार जो आपके बर्थ चार्ट होते हैं उसमें कुछ युतियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों की कुंडली में होती है, बहुत ही भाग्यशाली लोगों की बर्थ चार्ट में होती है, ठीक है। कुछ ऐसे महायोग बन रहे होते हैं, लेकिन उन महायोग को कहते हैं ना कि उनका भी एक टाइम होता है जब वो अनलॉक होते हैं, ठीक है, उनका भी एक समय होता है। समय के पहले वो योग आपको फल नहीं देते, वो बनते तो हैं बर्थ चार्ट में, लेकिन उनका जो पूर्ण फल आपको मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होता है, वो एक समय के बाद प्राप्त होता है। और कर्मों पर भी वो निर्धारित होता है कि आप कितने समय में वो कर्म कर पा रहे हैं, कब वहां तक पहुंच पा रहे हैं उस चीज को अनलॉक करने के लिए, ठीक है, अनफोल्ड करने के लिए। तो अगर जैसे मैंने बात की रिपेरेंटिंग योर सेल्फ की, अगर इस कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होकर आप अपने आप का बेस्ट वर्जन और आपके पार्टनर अपने आप का बेस्ट वर्जन बनकर इस बाउंड्री को तोड़ते हैं, इतना अबंडेंट कनेक्शन होगा, ये इतना अबंडेंट कनेक्शन होगा कि मतलब पैसे मनी वनी से लेकर हर चीज आप लोगों के पास मौजूद होगी। ये कार्ड्स बात कर रहे हैं चारों, ठीक है। और सेक्सुअल फ्रीडम और सेक्सुअलिटी का कार्ड, ये दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि आपका जो कनेक्शन होगा वो मतलब फिजिकल लेवल पर भी अमेजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए सेक्सुअल फ्रीडम का, ये बहुत ही ज्यादा डीप बॉन्ड होने वाला है, एक इंटीमेट बॉन्ड यहाँ पर ये होने वाला है। और सेरेंडिपिटी बात करता है कि ये जो कनेक्शन है
बहुत ज्यादा भरोसे के बाद, बहुत ज्यादा सब्र के बाद हो सकता है आपको मिले, ठीक है। जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपकी नियति ने जिसको भी चुना हुआ है, हो सकता है कि काफी सब्र के बाद ये पार्टनर आपको मिले, क्योंकि सरेंडिपिटी का कार्ड आ रहा है। जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर से ये कह रहा हो कि मुझे आप पर विश्वास है कि सही समय पर आप सही चीजें मुझे जरूर देंगे, और यकीन मानिए सही समय पर सही चीजें जब आपको मिलती है तभी आप उनको सही से उनका मजा ले पाते हैं, खुशियों को इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे कनेक्शंस में, मतलब बहुत सारे लोग के कनेक्शंस जो हैं वो खराब हो रखे हैं, क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में वो कनेक्शन उनको मिल गए, और डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में ना उनके पार्टनर ने समझ पाया, ना उन्होंने समझ पाया, और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर ली, ठीक है। सो यहाँ रिपेरेंटिंग योर सेल्फ इसी चीज की बात करता है, कितनी मेच्योरिटी में जाना, अपनी अपने आपका बेस्ट वर्जन बनना, ठीक है। तब ये कनेक्शन जब आपको मिले तो आप इसको आप इसको अच्छाई के साथ और खुशी के साथ एंजॉय कर पाओ, ठीक है। तो सब्र के बाद हो सकता है ये पार्टनर आपको मिले, ठीक है। काफी सब्र के बाद ये पर्सन आपको मिले, सरेंडिपिटी का कार्ड है। एंड यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल बात करते हैं कि इस इंसान के साथ जो भी आपके पार्टनर होने वाले हैं, इनके साथ आप बहुत ज्यादा घूमेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करेंगे, और ये कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी होंगे आपको काफी एडमायर करेंगे, बहुत आपकी खूबसूरती से आकर्षित रहेंगे हमेशा ही, और आपके अलावा ये किसी और को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इतना ये आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे, इतनी ज्यादा ये आपकी खूबसूरती में खोए रहेंगे। और आप लोग मुझे लगता है काफी डेट वगैरह करोगे, ठीक है। मतलब घूमना फिरना इस कनेक्शन में कभी बंद नहीं होगा, बहुत सारी प्लेसेस में जाना, डेट करना, ठीक है, हमेशा ही घूमते रहना, शॉपिंग करना या ये करना, मूवीज जाना साथ, मतलब जो भी डेटिंग ग्रीटिंग कार्ड बात करता है कि हमेशा ही ना एक इंजॉयमेंट आपके कनेक्शन में रहेगा। ये कोई रूखी सूखी लाइफ आपकी नहीं रहने वाली है कि सुबह से शाम तक घर में ही है, ठीक है। आप इंजॉय करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को, ठीक है। और मुझे जिस तरीके से कार्ड्स दिए हैं एंजल्स ने, ऐसा लग रहा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के साथ कि कोई है जो आप पहले से ही जिसको जानते हैं, जिसके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, वही कहीं ना कहीं अपने आप को बदल कर आएगा, ठीक है। इस रीडिंग पे ना मुझे एक लाइन चैनल हो रही है कि ईश्वर जब आपको बेहतर नहीं देता है तो बेहतरीन से नवाजता है, ठीक है। जब बेहतरीन आपकी जिंदगी में आता है, जैसे कहते हैं ना कि बेहतर को छीन लिया तो बेहतरीन ही देगा, ठीक है। तो ये पर्सन अगर आपको अभी बेहतर लगते हैं, ठीक है, और आप इनका इंतजार कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, तो ये बेहतरीन बनकर आएंगे, कुछ ऐसा बनकर आएंगे जो शायद आपने सपने में भी ना सोचा हो, ठीक है। मुझे ये एनर्जीज दे रहे हैं कार्ड्स, और नियति ने इनको ही आपके लिए चुना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एनर्जीज देखते हैं इस इंसान की कैसी रहेंगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अटैचमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आर्कएंजल माइकल, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाह, कम्युनिटी, द वर्ल्ड एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वाह। ओके, ये जो पर्सन होंगे काफी खूबसूरत होंगे, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, और आपका परफेक्ट मैच होंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है, बहुत ही गुड लुकिंग, हो सकता है जिम वगैरह करते हो, स्मार्ट होंगे, बाल उनके बहुत खूबसूरत होंगे, आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, लिप्स बहुत खूबसूरत होंगे, और एकदम एकदम हीरो टाइप क्वालिटी, हीरोइन टाइप क्वालिटी इनके अंदर होगी, मतलब उस तरीके की पर्सनैलिटी हो सकती है, और मतलब काफी रोमांटिक होंगे ऑल्सो, मुझे लगता है परफेक्ट मैच होंगे आपका, ठीक है, क्योंकि मैच निकल कर आया है। कुछ ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपको करियर में बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहा है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड बात कर रहा है कि आप इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत इनसिक्योरिटी में जिंदगी को जीते हैं, मैंने उनको कई बार कमेंट सेक्शन में लिखते हुए देखा है कि मैम पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होगा। आप अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो सबके साथ, और सही समय पर वो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। और कम्युनिटी कार्ड बात करता है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, ये जो भी आपका पार्टनर है, डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपकी सोल कम्युनिटी का होगा, मतलब वो इंसान जो आपकी वाइब्रेशन को मैच कर
कर सके, जो आपकी अच्छाई को देख सके, जो आपकी अच्छाई का फायदा ना उठाए, जो आपकी अच्छाई को बेवकूफी ना समझे, जो आपकी अच्छाई को समझ सके, ठीक है। इसी को कहते हैं हम कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि वो लोग जो आपको समझ सकते हैं आपकी कॉन्शियस लेवल पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आकर कोई भी बात बोल रही हूं, और अगर कुछ लोग यहां पर ऐसे आते हैं जब वो बहुत गुस्से में होते हैं, अग्रेशन में होते हैं, तो वो उन बातों को डीपली समझ नहीं पाते, तो वो अपना जो गुस्सा है वो कमेंट सेक्शन में निकाल देते हैं और उस बात से एग्री करने से मना कर देते हैं और अपने लॉजिक्स लगाकर कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जिस चीज पर मैं समझ पा रही हूँ वो नहीं समझ पा रहे उस वक्त, तो हम उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही लोगों को कम्युनिटी, और कुछ लोग हैं जो बहुत डीपली जो मैं बोल रही हूँ उसको एज इट इज समझ लेते हैं, बहुत मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो आपकी कॉन्शियसनेस को मैच कर रहे हैं, तो आप उसी व्यक्ति के साथ जिंदगी में जी सकते हो जो आपकी कॉन्शियसनेस को मैच करे या जो आपको समझ पाए बेसिकली, ठीक है। और उन्हीं को हम बोलते हैं आपकी कम्युनिटी के लोग। तो ऐसा किसी के साथ सोल कॉन्टेक्ट आपने किया है जो आपका परफेक्ट मैच है, परफेक्ट मैच है, परफेक्ट टाइमिंग पर आपकी जिंदगी में हाजिर हो जाएगा, ठीक है, जो डेस्टाइंड है आपके लिए, और ये पर्सन आपसे बहुत अटैच होंगे, बहुत ज्यादा अटैच होंगे, ठीक है। इनसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा इस पर्सन को अटैचमेंट इश्यूज होंगे, ये आपसे भी ज्यादा आपसे अटैचमेंट में नजर आते हैं। इनके लिए मुझे ये भी नजर आता है कि काफी अबंडेंट होंगे, काफी पैसे वैसे वाले होंगे, ठीक है, मतलब अच्छा खासा पैसा होगा, और बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होंगे, ठीक है, स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में। फर्स्ट चक्र का कार्ड है, जैसे बात कर रहा है कि स्टेबिलिटी होगी इस पर्सन के पास, फियर इश्यूज नहीं होंगे इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन में कॉन्फिडेंस होगा, इस पर्सन में यू नो एक लक की तरह भी आई थिंक काम करेंगे, आपकी लाइफ में आएंगे तो जैसे आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी नजर आती है। स्टॉर्म वार्निंग एंड वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि एक तूफान के बाद ये पर्सन आपको मिले, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड बात करता है कि आप एक दूसरी दुनिया में जब कदम रखेंगे यहां पर, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप अभी एक दुनिया से निकलकर आए हो और दूसरी दुनिया में एंट्री ले रहे हो, यानी कि आप मैट्रिक्स से निकलकर आए हो और स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, यानी कि 3D से निकलकर आप 5D की तरफ मूव कर रहे हो। यहाँ पर कॉन्शियसनेस की बात करूं अगर मैं, तो ये बात कर रहा है कि जब एक तूफान से निकलकर आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, ठीक है, तो आप इस कनेक्शन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, क्योंकि ये जो भी सोल कनेक्शंस होते हैं और उनको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, सोल कनेक्शंस आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होते हैं, वो आपको उनको वो आपकी खूबसूरती से, आपके पैसे से, आपके रुतबे से, आपकी सक्सेस से, इन चीजों से, ये मटेरियलिस्टिक चीजों से आपकी तरफ आकर्षित कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा ही आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होते हैं। जितना पावर आपकी एनर्जी में होगा उतना ही ज्यादा आप उनको अपनी तरफ खींचोगे और उनको आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे, भले ही वो आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ठीक है। सोल कनेक्शन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, नियति और प्रकृति उनको किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से, लेकिन आपके सामने लाकर खड़ा करेगी। इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कहीं पर भी होगा आपका सोल पार्टनर आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इनको अट्रैक्ट करने के लिए आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, ना कि आपके दिमाग का स्तर, ठीक है, ना कि आपकी लॉजिक्स। यहां पर ये नजर आता है, बहुत ही खूबसूरत मुझे आपके पर्सन नजर आते हैं, डेस्टाइन है जो भी आपके लिए, बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे ये पर्सन आपके साथ, और आपके अगर आपको कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आए हैं, सोल मिशन लेकर आए हैं, तो उसको भी पूरा करने में ये आपकी मदद जरूर करेंगे और आपका परफेक्ट मैच होने वाले हैं, ठीक है। हर्मिट, मजीशियन, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्स एंड फाइव ऑफ कप्स। मैरिज होगी डियर आपकी इस पर्सन के साथ,
डेस्टाइन जो है आपके लिए, और मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि अवेकन होकर आपकी तरफ कोई आएगा, यानी कोई अवेकन सोल आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगी। जो भी आपके लिए पार्टनर डेस्टाइन है वो अवेकन होंगे, ठीक है, अवेकनिंग से गए होंगे, अवेकन होने के बाद आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, और अवेकन होने के बाद इंसान अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में आ जाता है। अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में आने के बाद अनकंडीशनल लव लोगों को बांटता है, तो ये जो भी अवेकन सोल होगी आपकी तरफ आएगी वो आपको अनकंडीशनल लव करेगी, ठीक है। दूसरा कार्ड है मजिशियन, ये इंसान मजिशियन की ऊर्जा में होंगे, ठीक है, मतलब एक अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते होंगे डेफिनेटली पा पाते होंगे, ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है। काफी अच्छे मजिशियन की ऊर्जा में नजर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी, ये कार्ड बात करता है कि आप दोनों ही आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर है उसको आपके साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और मतलब वो आपकी यू नो ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपकी इस खूबसूरती में हमेशा खोए हुए रहेंगे, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज की बात करता है कि ये जो भी इंसान होंगे कहीं ना कहीं इनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका स्लो होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होगा, या डिसीजन लेने में इस पर्सन को थोड़ी तकलीफ होती होगी, ठीक है, कि मतलब ज्यादा सोचते होंगे। जैसे आपसे आपके जो भी डिसाइन पार्टनर है अगर उनसे कोई कहे कि आपको 15 मिनट में डिसीजन लेना है तो ये 15 मिनट में डिसीजन नहीं ले सकते, इनको एटलीस्ट 1 to 2 आवर चाहिए उस चीज का, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए और वो डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये कुछ क्वालिटीज पर्सन के अंदर नजर आती है कि इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है, ठीक है। और कार्ड बात करता है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स, ये कार्ड बात कर रहा है कि मैरिज तक आप कनेक्शन जाएंगे, यहाँ पर जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में उनके साथ आपकी मैरिज होगी, ठीक है। और फिर से मुझे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट और गिल्ट के बाद आपकी जिंदगी में आएंगे, ठीक है, ये कार्ड फिर से वही बात करता है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, ये जो भी इंसान है जैसे लग रहा है कि आप उनसे पहले मिल चुके हो, आकर ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे और यहां पर उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स फिर वही बात कर रहा है कि कोई इंसान रिग्रेट में है, कोई इंसान गिल्ट में है, ठीक है, ये कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, ठीक है, जैसे लग रहा है कि आप जानते हैं इस व्यक्ति को जो भी आपके लिए डेस्टाइंड है, ठीक है, यहाँ पर है बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है किसी का, ओके, सोलमेट्स भी आ रहा है, ठीक है, ये कार्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी होंगे वो आपके सोलमेट होंगे और बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा उस व्यक्ति के साथ आपका, ठीक है, लेकिन थोड़े समय के बाद, ये सब्र के बाद ये इंसान आपको मिलेंगे, ऐसी एनर्जी लग रही है। ओके सो गाइज, ये आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइज।